हेलो फूड लवर्स, वेलकम टू योर होम ऑफ किचन। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों का बहुत मन करता है सैंडविच खाने का, और उस समय हमारे पास ब्रेड जो है वो अवेलेबल नहीं होती है। तो उस केस में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस रेसिपी। बहुत अच्छा स्नैक है, आप इसे टिफ़िन बॉक्स में भी रख सकते हैं बच्चों के। तो आज की रेसिपी है फ्रेंड सूजी और मटर का सैंडविच। इसको बनाना बहुत आसान है, आप इसे किसी भी टाइम बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन्हें कैसे बनाते हैं। अगर अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। इनको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक बोल, और उसमें हम डाल देते हैं 1 कप सूजी। ये बारीक वाली सूजी है, अगर आपके पास मोटी है तो आप उसे ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप दही। तो 1 कटोरी सूजी के लिए यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं 1/2 कप दही। दही जो है वो ताज़ी होनी चाहिए, खट्टी नहीं होनी चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, और इन सारी चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल लिया है थोड़ा सा पानी, और इसी के साथ अब हम इसे मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर जो बात ध्यान रखने वाली है फ्रेंड्स, वो ये है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। यहाँ पर हम ये सूजी का बैटर बना रहे हैं जो कि हमारी सैंडविच का बेस होगा, जो हम ब्रेड लगाते हैं नीचे और ऊपर। तो यहाँ पर हम सूजी का बैटर लगाएंगे। तो थोड़ा सा और पानी डाल दिया है मैंने, और जो बैटर है उसको अभी हम थोड़ा सा पतला रखते हैं, क्योंकि धीरे धीरे सूजी जो है वो सारा पानी एब्जॉर्ब करने लगेगी और जो बैटर है वो ऑटोमेटिकली थिक हो जाएगा। तो देखिए अच्छे से मिलाते हुए एक ही डायरेक्शन में आप देख सकते हैं कि बैटर अच्छे से तैयार हो गया है, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है। तो अब हम इस बैटर को ढक कर के रख देते हैं लगभग 20 से 25 मिनट तक रेस्ट करने के लिए। तो इसको करने देते हैं थोड़ी देर के लिए आराम, और तब तक तैयार करते हैं अपनी स्टफिंग मटर वाली। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है एक फ्राइंग पैन, और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 छोटा चम्मच ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं रखना है, वरना जो सैंडविच है उसमें सिर्फ ऑयल ही ऑयल होगा। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, और जीरे को अच्छे से क्रैकल होने देंगे। जीरा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कच्चा ना हो, अदरवाइज़ जो सैंडविच है उसमें थोड़ा सा कड़वा फ्लेवर आ जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने रफली चॉप किया है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इस जगह इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें। यहाँ पर आपको अगर तीखा पसंद है तो आप इनकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं बच्चों के टेस्ट के अनुसार। अब हमने डाला है 1/4 छोटा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ गार्लिक पेस्ट डाल दीजिएगा, या फिर अदरक के स्लाइसेस डाल दीजिएगा। अब हम इन चीज़ों को थोड़ा सा सॉटे कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। फ्लेम जो है वो मैंने लो से मीडियम के बीच में रखी हुई है। बस इतना पकाना है कि जो अनियन का कच्चापन है वो हट जाए। तो 1 मिनट बाद इसमें डालेंगे 1/2 कप मटर, इसके साथ ही 1 छोटा चम्मच नमक। नमक कम ही डाला है क्योंकि हम ऑलरेडी डाल चुके हैं बैटर में। 1 चुटकी हल्दी पाउडर अच्छे कलर के लिए, और साथ ही 1 चुटकी धनिया पाउडर। बस इतने ही मसाले हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, और अब इन्हें मिक्स करके अच्छे से पकाएंगे। इसमें अगर आपको खट्टा पसंद है तो आप नींबू डाल सकते हैं, या फिर टमाटर भी डाल सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल प्लेन रखना चाहते हैं तो ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरे कहने पर आपको बहुत पसंद आएगी। तो अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब हम इसे ढक कर के पकाएंगे जब तक कि मटर जो है वो अच्छे से पक नहीं जाती। तो लगभग 4-5 मिनट बाद देखा मैंने तो मटर पक चुकी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ताज़ा मटर यूज़ किया है। हाँ, अगर आपके पास ये नहीं है या फिर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो आप इसमें फ्रोज़न का मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मटर अच्छे से पक गई है, पानी भी लगभग सूख गया है, यानी कि जो हमारी स्टफिंग है वो बिल्कुल रेडी है। तो इसको अब हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए, और उसके बाद इसे ग्राइंड करेंगे। तो ठंडा होने के बाद मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर देते हैं ग्राइंडिंग जार में, और इसका मैं सेमी फाइन पेस्ट बना रही हूँ, यानी कि बहुत हल्के हल्के उसमें चंक्स रहने चाहिए।
आप चाहें तो आप बिल्कुल फाइन पेस्ट भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारा जो मिक्सचर था वो ट्रांसफ़र कर दिया है जार में, और अब हम उसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड करने के लिए फ्रेंड्स आपको इसको लगातार ग्राइंड करना होगा। ग्राइंड करने के बाद देखिए कितना अच्छा ग्रीन कलर आया है मटर का। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैं आपको एक स्पून में निकाल कर दिखा देती हूँ। ये है मेरा सेमी फाइन ग्राइंड पेस्ट। इसमें हल्के हल्के मटर के चंक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है एक बोल में, और लगभग 20-25 मिनट बाद अब हम देख लेते हैं अपना जो सूजी का बैटर है उसके क्या हाल हैं। तो यहाँ पर सूजी के बैटर को उठाया और अब हम उसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच फ्रूट सॉल्ट यानी कि इनो। आप इस जगह पर एक छोटा चम्मच सोडा भी डाल सकते हैं अगर आपके पास इनो नहीं है तो। और उसको एक ही डायरेक्शन में मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं फेंटेंगे इसको, थोड़ा सा ही फेंटेंगे। तो ये बैटर भी बिल्कुल तैयार है। एक बार मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है बट बहुत थिक है, तो इसको हम थिक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी बोलेंगे। इसी कंसिस्टेंसी का आपका बैटर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पैन रख दिया है गरम करने के लिए। इस पर डाल देते हैं थोड़ा सा घी या बटर या ऑयल, आप जिसमें भी इसे सेकना चाहें उसमें। और अब तैयारी करते हैं अपनी सैंडविच बनाने की। अच्छे से स्प्रेड कर दिया है घी सारी तरफ। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि अगर आपका बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो गया तो जो सैंडविच हम बनाएंगे वो बिल्कुल भी अच्छी शेप नहीं लेके आ पाएगी, और खाने का टेक्सचर भी फ्रेंड्स उतना ही अच्छा इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि खाने का टेस्ट। तो यहाँ पर मैं सर्विंग स्पून से डाल देती हूँ। लगभग 2 सर्विंग स्पून मैंने डाला है बैटर। बहुत हल्के हाथों से हम इसे स्प्रेड करेंगे। आप चाहें तो इसे स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं, मैंने सर्कल शेप दिया है। बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से आप स्प्रेड करते जाएंगे और ये इजीली स्प्रेड हो जाएगा। इसके बाद देखिए मैंने जो मटर का मिक्सचर था उसकी एक टिक्की बना के बिल्कुल सेंटर में रखी है। टिक्की बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब हम इस टिक्की को कवर कर देते हैं वापस से जो सूजी का बैटर था उससे। अब जो कवर हम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, मतलब इतना डालेंगे कि बस जो मटर वाला वो डाला है मिक्सचर वो कवर हो जाए। देखिए कुछ इस तरीके से बहुत अच्छे से ये हमने स्प्रेड कर दिया। अब हमें इसे पकाना है, तो पकाने के लिए इसे ढकना बहुत ज़रूरी है। इसको ढककर पकाएंगे लो से मीडियम फ्लेम पर लगभग 3 से 4 मिनट तक। इत्मीनान से इसे पकने दीजिए, बहुत अच्छा बन के निकलेगा। तीन से चार मिनट बाद देखिए मैंने हटाया ढक्कन को, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसका मतलब कि नीचे से ये बहुत अच्छे से पक गया है। अब हम इसे पलटेंगे और देखते हैं क्या कैसा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया पका है ये। थोड़ा सा प्रेस करेंगे इसको, इसके बाद फिर से इसे कवर करके पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर। फिर हटा के देखा तो अब मैं एक बार टर्न करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में, बनकर तैयार है सैंडविच, झटपट बन गया आप देख सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, जब आप एक बार इसे पलट दें तो इसे साइड से हल्का सा प्रेस कर दें ताकि जो मटर वाला मिक्सचर है वो अच्छे से सब तरफ स्प्रेड हो जाए। ये तो बिल्कुल रेडी है, मैंने इसे निकाल लिया है प्लेट में और मैं इसे बिल्कुल सेंटर में से काट के 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको दिखाती हूँ कि जो हमने मिक्सचर तैयार किया था मटर का वो किस तरीके से आया है, यानी कि ग्रीन कलर दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पिज़्ज़ा कटर से काट लिया है, आपके पास नाइफ हो तो आप उससे भी काट लीजिएगा। बहुत सॉफ्ट होता है फ्रेंड्स ये खाने में। तो देखिए मटर की जो स्टफिंग दी थी वो कितना अच्छा कलर दे रही है बीच में, और इस तरीके से हमारा सूजी मटर का सैंडविच बनकर बिल्कुल तैयार है। आई होप आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे जाके जल्दी से बना के और मुझे अपने एक्सपीरियंस ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 उसे कर दीजिए। मिलेंगे और इसी तरीके की अमेजिंग इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।